ये फ्लाइट दुबई से रिटर्न हुई है, 4 घंटे हम सिर्फ आसमान में ही थे, ये सुनिएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं दुबई से, नहीं पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान? वेरी बैड। देखें कैसे कैसे लोग हैं, दोबारा आपको आपकी सरजमीन पे लेकर आए फ्री में, नहीं और अच्छा देखिए ये मंजर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ऑफिस के बाहर। ये हमारी फ़्लाइट दोबारा से रिटर्न हुई है दुबई से ड्यू टू हैवी रेन्स। अब फ़्लाइट रीस्केड्यूल की गई है, अल्लाह खैर करे, थैंक यू। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, क्योंकि आप लोग को बिलीव और विश्वास नहीं होता है ये फ़्लाइट के साथ ही वापस कर दिया जा रहा है, और सिर्फ ये पाकिस्तानियों लोग के साथ नहीं, ये इंडियन लोग के साथ भी इस तरह का रूल है, बांग्लादेशियों के साथ, नेपालियों के साथ, यानी एशियन जो भी कंट्री है, जो भी वहाँ पे जॉब करने जाते हैं वो सारे लोगों के साथ इस तरह का रूल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर छोड़ दिया जा रहा है तो लोग सोचते हैं कि इस तरह का नियम नहीं है। ऑलरेडी खुद 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं होता है। जो लोग नए हैं वो ज़रूर आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। अगर आप दुबई के लिए बेसिकली ट्रैवल कर रहे हो और ये रूल को अगर फॉलो नहीं करते हो तो आपको वहाँ से सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हज़ारों लोगों को डिपोर्ट इसी तरह से कर दिया गया है। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि पहले UAE गवर्नमेंट यानी दुबई में अभी भी 80% लोग जाते हैं विजिट वीज़ा पे, बहुत सारे लोग घूमने भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब सर्च करने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे विजिट से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इमीडिएटली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी वर्क वीज़ा आप चेंज करा सकते हो। इस वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और जॉब सर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिलता है तो वहाँ पे ही ओवर स्टे हो जाते हैं, फिर आने के लिए उनके पास टिकट का पैसे नहीं होते हैं, लाखों लोग दुबई के अंदर फंसे हुए ऐसे विजिट वीज़ा पे जाके। तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया और बताया कि कम से कम आपको अगर विजिट वीज़ा पे जा रहे हो दुबई के अंदर तो एयरपोर्ट पर 3,000 दिरहम आपको दिखाना है, और अप एंड डाउन का टिकट लाजिम चाहिए, वो भी सेम एयरलाइंस का। तीसरा है आपको होटल बुकिंग चाहिए, मतलब कौन सा कहाँ पे आपको ठहरना है, या कोई अगर आप रिलेशन वाले के पास जा रहे हो या किसी के पास जा रहे हो तो उसका इमरत आईडी का फ़ोटो चाहिए, यानी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप रुकने वाले कहाँ हो। तो बहुत सारे लोग ये नियम को मजाक में ले लिया, हल्के में ले लिया, आखिरकार दोस्तों गवर्नमेंट ने नया एक्शन लिया और बताया कि इस तरह से फ़्लाइट के साथ ही लोगों को वापस कर दिया जा रहा है। तो बेसिकली आप विजिट वीज़ा पे अगर ट्रैवल करना चाहते हो दुबई के अंदर तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, लोगों के बात में ना रहे, नहीं तो लोग सोचेंगे कि बस ऐसा है।